अंधेरे को चीरती एक रोशनी आई, साथ आए कुछ बोल कुछ मंत्र। चेहरे बनते बिगड़ते चहुं ओर छा गए भक्ति के बादल। तभी आस्था पर खिंचने लगी गहरी काली लकीरें। भोग में बदला योग, मोक्ष की राह मुनाफा। कौन है ये चेहरे जिनके कद इतने बड़े हैं, आम आदमी से भी बड़े? वो खास हैं, वो संत हैं, वो महात्मा हैं। राजनीति में धुले, राजनीति में ही घुले। कभी बूढ़ों की लाठी बने, कभी नौजवानों की जिंदगी की बाती बने। जिनका एक बोल लाखों के लिए ब्रह्म वाक्य बन जाता, उनकी नसों में लहू बनकर उतर जाता। जिनके आगे मंत्री सर झुकाते हैं, जिनके आगे संतरी सर झुकाते हैं, वो माया के है गुलाम। कौन है ये माया, कौन है यह माया, कैसी है यह माया, ये हम आपको बताएंगे कुछ ही पलों में। मैं हूं संजीव पालीवाल। मैं हूं संदीप चौधरी। और जिस माया की हम बात करने जा रहे हैं, आप नहीं जानते, हम भी नहीं जानते थे, लेकिन जब हमारे सामने माया का राज खुला तो नींद उड़ गई। आंखों से गुस्सा टपकने लगा, दिल में नफरत भर गई। आपकी आंखें भी इस माया का चेहरा देखकर यकीन करने से इनकार कर देंगी। असलियत तो यह है कि इस माया के मोह में पूरा देश, आप हम सब उलझे हुए। माया के चेहरे कई हैं, आप रोज उनके आगे सर झुकाते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, दिल से उन्हें दुआ देते हैं, तन मन धन से उनकी सेवा करते हैं, लेकिन आज आपकी आंखें खुल जाएंगी। जी हां, ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है माया। हम दिखाने जा रहे हैं आपको उनकी शक्लें, जिन्हें संत महात्मा योगी कहा जाता है। देश के नौजवान उन्हें आदर्श मानते हैं, महिलाएं उन्हें पूछती हैं, लेकिन वो दरअसल माया के पुजारी हैं। पैसे के लिए ये चेहरे बिकने को तैयार हो जाते हैं। उनके आश्रम में धर्म का काम नहीं, बल्कि काला पैसा सफेद करने का धंधा चल रहा है। आईबीएन 7 और कोबरा पोस्ट ने यह खुलासा किया है। तो शुरुआत करते हैं, माया के चक्र में पहले नंबर पर हैं लाखों लोगों के गुरु, धर्म के प्रतीक पायलट बाबा। देखिए पायलट बाबा की असली तस्वीर। जल से थल तक फैला आस्था का संसार, जिसके आगे मंद पड़ी राजनीति की हर धार, प्रेम का पग महायोगी का हट। कभी पाताल में समाधि, कभी पर्वत पर आबादी। मोहमाया के आसमान में आध्यात्म का प्लेन उड़ाता एक पायलट, ये है पायलट बाबा महायोगी। वायुसेना के पूर्व विंग कमांडर, 1965 और 1971 की लड़ाई में दुश्मन के छक्के छुड़ाने के बाद संत का चोला अपनाने वाले बाबा, राजनीति में प्रभा मंडल चमकाने वाले बाबा, साल के ज्यादातर दिन विदेश में संत वाणी बरसाने वाले बाबा, और अब खुफिया कैमरे में काले पैसे को सफेद बनाने का फॉर्मूला बताते बाबा, वही पायलट बाबा। ये सब देख कर, बाबा की बोली सुनकर आपकी आस्था कांच की तरह टूट कर बिखर सकती है। बाबा की ये उड़ान बेहद मायावी है। छोटी सा बनने से कर दीजिएगा, मेरे पास ऐसे कोई नहीं। जो अमाउंट आप लोग को रिटर्न चाहिए जी, वो आप हमसे चेक ले लीजिएगा। ठीक है, आपका और एक नंबर हो जाएगा, हमारा अमाउंट एक नंबर का हो जाएगा, नंबर बन जाएगा। क्या आप जानते हैं ये एक नंबर का अकाउंट क्या बड़ा है? ये शब्द हमने नहीं, ये पायलट बाबा ने इस्तेमाल किया। जो अमाउंट आप लोग को रिटर्न चाहिए जी, वो आप हमसे चेक ले लीजिएगा। ठीक है, आपका और एक नंबर हो जाएगा, हमारा अमाउंट एक नंबर का हो जाएगा। एक नंबर यानी असली, काला या दो नंबरी नहीं, बल्कि सफेद यानी कानून की नजरों में दुरुस्त पैसा। इस खेल का पहला प्यादा है ज्योति, पायलट बाबा का पीए, जो दरअसल उनके मायावी संसार का दरवाजा है। हम कॉरपोरेट कंपनियों के एजेंट बनकर उससे मिले, पूछा कि क्या धार्मिक ट्रस्ट की आड़ में काला पैसा सफेद हो सकता है। ज्योति पहले तो दीवार की तरह अड़ गया, लेकिन हरे नोट की खुशबू आते ही दीवार गिर पड़ी। उसने बाबा से डील कराने के एवज में 30 लाख रुपए की मांग की और बतौर पेश की 1000 रुपए लिए। 1000 रुपए शगुन के दर से, ये जो 30 लाख रुपए हम आपको कमीशन के देंगे, जो आप हमारी डील स्वामी जी से, स्वामी पायलट बाबा जी से आपने कराई है 10 करोड़ रुपए वाली, उसका 1000 रुपए समझ लीजिए आप। जब ट्रेलर ऐसा है तो फिल्म कैसी होगी, यही सोचते सोचते हम दिल्ली में बाबा के आश्रम पहुंचे। मुलाकात का वक्त तय था। स्वामी जी
हमारा जो मेन मकसद है, मोटिव है हमारी जो हम करते हैं, हमारी जो कंपनीज हैं कॉर्पोरेट कंपनीज, वो क्या काम करती हैं, आपके ट्रस्ट को सपोज कीजिए 10 करोड़ रुपए उन्होंने दिए, ठीक है, 10 करोड़ रुपए देने के बाद में आपसे हमारी जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी, जो भी एग्रीमेंट होगा वो हो जाएगा, आपका ट्रस्ट अपने पास जो अमाउंट रखेगा वो रख लेगा, बाकी का अमाउंट हमें कब कितने दिन में लौटा देगा वो हमें मतलब श्योरिटी चाहिए कि हमारा पैसा फंस ना जाए। वो तो आपको करना पड़ेगा जी, ये हम नहीं कर सकते जी। आपको जो लेना होगा जी, आप हमारे अकाउंट से पैसा चेक ले सकते हैं। अच्छा, आप हमें चेक से दे देंगे तो हमारा तो पेमेंट एक जेन्युइन हो जाएगा। यानी पायलट बाबा हमारा काला पैसा रखेंगे अपना कमीशन काट कर, बाकी पैसा सफेद बनाकर चेक से लौटा देंगे। चेक देने के दसियों बहाने हो सकते हैं। सबसे आसान बहाना ये कि हमने उनके आश्रम के लिए कोई काम किया, वो उस काम के बदले हमें ये रकम दे रहे हैं। कानून की आंखें इस गोरख धंधे पर कभी खुल नहीं पाएंगी। धर्म का चोला आस्था का मंत्र काम कर जाएगा। पायलट बाबा का ये रूप देखकर हमारी आंखें हैरत से फटी जा रही थी। कुछ देर बाद तो हमारे कानों में जैसे गर्म सीसा उड़ेल दिया गया हो। बाबा के मुंह से एक के बाद एक राजनेताओं के नाम और बाबा के पास मौजूद उनकी काली कमाई का जिक्र फूटने लगा। शुरुआत हुई कांग्रेस के उम्रदराज बेहद वरिष्ठ गरिष्ठ सालों साल एक उत्तरी राज्य के मुख्यमंत्री रहे नेता के नाम से। एक नंबर हो जाएगा हमारा अमाउंट, एक नंबर का हो जाएगा, नंबर का हो जाएगा। वही था मामा जी, आपको ये मतलब अभी पैसा सब गवर्नमेंट देती है? हमको पैसा देते हैं। तो मेरे पास 10 करोड़ अपना पैसा भी सेंट्रल में मेरा अच्छा संपर्क है बेटा। अच्छा, मेरा अच्छा संपर्क है सरकार गवर्नमेंट मतलब इस तरह के लोग देखते हैं जिस तरह से पैसा ला के अपना पैसे को एक नंबर कराते हैं आपसे? हम लोग जरूर से ले जाते हैं, कितना ले जाइए, मतलब वहाँ से हमारा ब्लैक का व्हाइट होने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा ब्लैक मनी का? हम लोगों का बेटा, हम लोग बड़ी समाधि जग वाले हैं, एक एक जग में दिखा सकते क्या करो, बस बस इस जग में काम नहीं हुआ। सच ही तो है, कितने ही लोग पायलट बाबा का ब्लैक मनी व्हाइट करने का गुरु मंत्र ले गए होंगे, कितनों का ही जीवन टैक्स की वैतरणी से पार लग गया होगा। बाबा की बोली किसी एजेंट की बोली लगने लगी। मोह माया को त्याग कर सन्यासी जीवन अपनाने वाले पायलट बाबा खुलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की शेखी बखारने लगे, लेकिन एक पल के लिए भी वो मुद्दा नहीं भूले, ब्लैक मनी को व्हाइट करना। हमारी मेहनत तो प्रेसिडेंट से भी होती है बेटा, जॉर्ज बुश से भी होती है। हाँ हाँ, सामने के चलते पूरा अरबियन कंट्री के सारे शेखों से। अच्छा अच्छा अच्छा, सारे शेखों से? सारे शेखों से, खाना पीना साथ में बैठना रहना सब है। अभी हमारे हम लोग प्रोग्राम है बेटा अप्रैल में दुबई जाएंगे, दुबई बेस करके सब फिर वहाँ से 7 अप्रैल जाएंगे, हम लोग इंटरनेशनल से ही बैठ रहे हैं। कॉन्टैक्ट तो हमारा ऐसे ऐसा कोई मिनिस्टर नहीं होगा, ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होगा जो हमें नहीं जानता होगा। सुना आपने, पायलट बाबा फिर राजनीति के फेर में पड़े, या शायद राजनीति उनके फेर में पड़ी हुई है। अब उन्होंने हिंदी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दो नेताओं का नाम लिया। खास कौन कौन से हैं थोड़ा सा? जैसे आपने पैसा लगाते हैं गवर्नमेंट का सारा जो पैसा सभी लगा। अच्छा, सभी हर किसी की जरूरत है बेटा, करते हैं हमारे को कई लोग कहा से नहीं जाता, बस पहले तो मेरे पास कोई आप जैसे बच्चे से बैठे रहते। अच्छा, कविता सुनाते थे घंटों दो घंटे ही खाते थे, चाय पे कविता सुनाते। दो पूर्व मुख्यमंत्री, एक मौजूदा मुख्यमंत्री और एक पूर्व प्रधानमंत्री, पायलट बाबा इन लोगों को अपना चेला बता रहे हैं। हम नहीं जानते कि वो डींगे हाँक रहे हैं या सच्चाई बयान कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है, भ्रष्ट आचरण की इस गंगोत्री में वो अकेले नहीं हैं। ये भी लगाते हैं पैसा वगैरह? नहीं, उनको मैंने आदमी जो है ना, जो कंपनी का पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, उसमें सब हाइड करना निकालना हम लोग। पायलट बाबा बिंदास होकर अपना असली काम बता रहे हैं। काले पैसे को धार्मिक ट्रस्ट का ठप्पा मारकर सफेद बनाने का ये खतरा वो ऐसे ही नहीं उठाते, इसके बदले ऐंठते हैं मोटा कमीशन। यहाँ बाबा से हम 10 करोड़ की ब्लैक मनी को जायज बनाने का सौदा कर रहे हैं। गौर से सुनिए, ध्यान से देखिए, मोह माया का ये चाल, लालच की ये गगरी। थोड़ा सा बता दीजिए पहले कैसे रहा है आपका, तो उसी हिसाब से फिर हम आगे जवाब दे देंगे कॉर्पोरेट्स को। जैसा पैसा आता है, कोई 20% करता है, कोई 30% करता है, कोई 50% करता है,
स्वामी जी तो नहीं 2030 में तो मार्जिन ही नहीं आ पाएगा, इससे तो बढ़िया कि हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। मैं आपसे बता रहे बेटा जी, आपको जो मार्जिन करता है आप बात कर रहे बेटा। स्वामी जी 10% से कर लें अगर आप कहें तो, 10% में नहीं। पायलट बाबा से हमारा सौदा 30% में बटा, यानी 10 करोड़ के काले धन में से वो 3 करोड़ रख लेंगे, 7 करोड़ रुपए हमें चेक से लौटा देंगे। उनके ट्रस्ट के खाते में किसी काम के बदले 7 करोड़ का ये पेमेंट दर्ज हो जाएगा और बचे काले 3 करोड़ उनकी गुरुदक्षिणा बन जाएगी। सांप भी मर जाएगा, लाठी भी न टूटेगी। पायलट बाबा की ये माया आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। हम आपको ये बता दें कि ये तीसरी कड़ी है धर्म के नाम पर जो पाखंड चल रहा है उसका, जो हम उसको उजागर कर रहे हैं ये तीसरी कड़ी। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि हज में किस तरह दलाली ली जा रही है और उसके बाद हमने बताया कैसे आप पैसे लेकर ईसाई बन सकते हैं और आज हम खुलासा कर रहे हैं किस तरह से बाबा काले को सफेद करने का धंधा, काला धंधा कर रहे हैं और पायलट बाबा की करतूत। और जैसा संजीव हम दिखा रहे थे किस तरह से वो कमीशन को लेकर कि 30% नहीं बेटा 10% दलाली है ये बिल्कुल साफ। और ये वही पायलट बाबा हैं जिनके सामने चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के नेता इनके चरण छूते हैं, इनके सामने नतमस्तक। नाम हमने नहीं दिखाए हैं उन लोगों के, उन राजनेताओं के, लोगों की बात जाने दे जो इनके आगे झुकते रहते हैं। इन्होंने बहुत नाम लिए हैं, नाम हमने छुपा दिए क्योंकि हमारे पास ये जानने का कोई साधन नहीं था वो कितना सच बोल रहे हैं। और ऐसे एक नहीं 7 बाबा हमारे पास आज इस कैमरे में कैद हैं और ऐसे ऐसे बाबा हैं जिनका नाम जब आपको पता चलेगा, करतूतें सामने आएंगी, आप चौंक जाएंगे। बिल्कुल साफ है कि काले पैसे के भूखे हैं पायलट बाबा और मंत्री हो या संतरी सबके सब पायलट बाबा के चरण छूकर आशीर्वाद भी लेते हैं। लेकिन असलियत तो यह है कि पायलट बाबा किसी के नहीं है। बाहर धर्म के उपदेश, आदर्श, जीवन की सीख और बंद कमरे में खुफिया कैमरे के सामने लक्ष्मी के संत। ये बात छुपी नहीं कि पायलट बाबा के राजनीति से गहरे रिश्ते हैं। इन रिश्तों को मुनाफे के खेल में वो बखूबी इस्तेमाल करते हैं। तो खुद ही देख लीजिए पायलट बाबा के सुर जिनसे केवल सिक्के निकल रहे। यकीन मानिए पायलट बाबा की हकीकत देखकर हमारा सर शर्म से झुक गया। बड़े बूढ़े कह गए नाम में क्या रखा है, कर्म पर ध्यान दो। लेकिन यहाँ तो पायलट बाबा दूसरा ही गुरु मंत्र दे रहे हैं, आप भी सुनिए। जगत में पॉलिटिकल जगत में नाम ही काफी। नाम नहीं गोया ब्रह्मास्त्र हो गया, जहाँ बेईमानी का खेल चल रहा हो वही गिरा दो, बात बन जाएगी। ये हम कहाँ, ये तो खुद पायलट बाबा ही कह रहे हैं। उनका नाम लेने भर से चुटकी में काम हो जाता है। साफ है पायलट बाबा हमें एक मोटा आसामी समझ रहे हैं जिसके पास इफ़रात का काला गोरा पैसा है। मुमकिन है थोड़ी शेकी ही बगाड़ रहे हो। हमने खुद को कॉरपोरेट कंपनी का दलाल बताया। बाबा ने 10 करोड़ के काले धन को सफेद कराने के एवज में 3 करोड़ रुपए मांगे। शगुन के तौर पर पायलट बाबा ने हमसे 3,000 रुपए लिए। लेकिन ये तस्वीरें हमारे खुफिया कैमरे में ठीक से कैद नहीं हो सकी। हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि पैसे देते वक्त बाबा से क्या बातचीत हुई। ये छोटी सी ये जो 10 करोड़ रुपए की हमारी आपकी डील हो रही है, छोटा सा मतलब ये शगुन समझ लीजिएगा इसका, ये शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। शिवरात्रि भी है, दिन भी अच्छा है, 3,000 रुपए आपको ये हमने भगवान लक्ष्मी है आपके पास बाबा जी आशीर्वाद दीजिए कि हम लोगों का काम करोगे, कोई ऐसी बात नहीं। बातचीत में पायलट बाबा ने कई बार हमें चौंका दिया। एक बार तो बोले कि वो कई कॉरपोरेट कंपनियों का काला धन विदेश में ट्रांसफर करवाने का धंधा भी करते हैं। हमसे तो अब कोई कॉरपोरेट कंपनी जापान अमेरिका में 100-100 करोड़ चाहती हो कि हम ट्रांसफर करवा देंगे। 100-100 करोड़ भी करा देंगे आप? उधर दिलवा देंगे। कमाल की भाषा है। धर्म के चोले में मौजूद पायलट बाबा इधर का उधर की महिमा बखूबी जानते हैं, तभी तो हमें विदेशी कंपनियों को पकड़ने की नसीहत दे रहे हैं। और फिर इधर का उधर तो राजनीति में भी है, तो राजनीति बाबा से क्यों दूर रहे?
पॉलिटिशियन तो मेरे पास ऐसे हैं जो 500 करोड़ रुपया दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, शासन बदलने के लिए, कि हमें प्राइम मिनिस्टर बनवा दीजिए, हम 500 करोड़ खर्च से एमपी खरीद लीजिए। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं। पायलट बाबा की बातें सुनकर हम हैरत में थे। पायलट बाबा की बातों को सच माने तो उन्होंने सत्ता की दलाली से लेकर करोड़ों की हेरा फेरी तक हर गैरकानूनी काम में हाथ डाला हुआ है। एक क्षेत्र शायद बच गया था, वो भी जल्द ही सामने आ गया। तो ऐसा कोई नहीं कह सकता, हम बिहार के हैं बेटे जी, ना हम राजघराने से छोटे लोग नहीं हैं, स्टेट के हैं। हमारे पास ऐसे आदमी कोई हमसे बदमाशी करके जहाँ से उठवा लेगा बेटा, हमारे पास ऐसे आदमी कोई हमसे बदमाशी करके जहाँ से उठवा लेगा बेटा, हमारे पास ऐसे आदमी कोई हमसे बदमाशी करके जहाँ से उठवा लेगा बेटा। कभी रेट, कभी राजघराना, कभी इधर का उधर, ये शब्द उस पायलट बाबा के नहीं हो सकते जिसे लाखों लोग पूछते हैं। ये तो उस पायलट बाबा के हैं जो मायावी है, जो धर्म की ट्रस्ट की आड़ में दौलत के महल खड़े कर रहा है। सिक्का पलट चुका था, चित और पट दोनों चेहरे ही मायावी निकले, माया जो जल्द समझ ना आए और शायद कभी भुलाई ना जा सके। जाहिर है बाबा हर कला में माहिर हैं, साम दाम दंड भेद। और ये वही बाबा हैं जो कभी इंडियन एयरफोर्स में थे, पायलट थे, उसके बाद इन्होंने शोहरत कमाई जमीन के नीचे समाधि लगाने की। अब जमीन के नीचे समाधि लगाकर यही सीखा शायद, काले को सफेद कैसे, बहुत गहराई में जाके सीखा उन्होंने। कई नेताओं को अपना शागिर्द बताया, कहा उनके पैसे जो हैं काले सफेद किए हैं, 10 करोड़ की डील हमसे की और 3 करोड़ रुपए हमसे कमीशन मांगा। और लगातार बता रहे थे कि देखिए, दो मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, एक मौजूदा मुख्यमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व प्रधानमंत्री देश का, वो सब इनके संपर्क में लगातार रहे, इनसे आशीर्वाद लेते रहे। अब क्या आशीर्वाद था ये हम जान सकते हैं। संदीप, एक बात समझ में नहीं आती, पायलट बाबा हों या इससे पहले हमने गद्दार किया था वो लोग हों, बात करते हैं करोड़ों की, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़, और जब एडवांस लेते हैं वो 3,000 रुपए तक रख लेते हैं, 2,000 रुपए तक रख लेते हैं। मतलब कोई धर्म ईमान नहीं, कोई धर्म नहीं, ये साफ नजर आता है। बिल्कुल, 3,001 रुपया शगुन के तौर पर ले लेते हैं। और वैसे एक पुरानी कहावत है संजीव, इंडिया इज अ रिच कंट्री बट इनहैबिटेंट्स आर पुअर, यानी कि बाशिंदे गरीब हैं, देश बहुत अमीर है। और ये बात समझ में आती है, 100-100 करोड़ की डील बता रहे हैं बाबा कि जापान में भी, हाँ मैं 100-100 करोड़ का हेर फेर कर सकता हूँ, अमेरिका में लगवा दूंगा, मेरे पास बहुत लोग आते रहे, तो पैसा कहाँ इस्तेमाल होता है उसका भी अंदाजा लगा सकते। और एक तरफ और इशारा किया राजनीति की तरफ, किस तरह वो अपने, वो किस तरह 500 करोड़ रुपए लेके लोग उनके पास घूम रहे हैं, कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनवा दूं, यानी कि राजनीति में भी उनका दखल है, हस्तक्षेप वो करते हैं। बिल्कुल, और माया का जाल एक बात साफ है फैलता ही जा रहा है।